हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का सिलेबस फोर्थ ईयर बी फार्मेसी फोर्थ ईयर का है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको मिल सकते हैं। इन शॉर्ट मैं मतलब आपको टॉपिक बता दूंगा कि ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है एज़ पर एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस एक मैंने वीडियो बनाया है प्रीवियस पेपर के ऊपर, ठीक है, उसमें सारे के सारे प्रीवियस पेपर है और जितना मेरा आइडिया लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। उस हिसाब से आप जब जैसे कि आपने एग्जामिनेशन की जो तैयारी की है, तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे आप, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट पर अपन चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट यूनिट में देखिए आप, क्रोमेटोग्राफी जो है पूरी पूरी फर्स्ट यूनिट में आती है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में एज पर एग्जामिनेशन अगर इम्पोर्टेंट की अगर अपन बात करें तो HPLC या GC में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेट चलेगा या फिर तो आपको HPLC से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें चांसेस ये है कि 16 नंबर का पूरा क्वेश्चन जो है आ सकता है, या फिर तो HPLC पे आएगा या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी पे आएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत कम चांसेस है कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे पूछने के लिए, बट कॉलम क्रोमेटोग्राफी को लेकर ये सा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ मतलब यूज़ ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है इस फर्स्ट यूनिट में से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो GC और HPLC ही देखने को मिलेंगे। अल्टरनेट चलेगा, कई बार GC पूछ लेते हैं, कई बार HPLC पूछ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा 16 नंबर का बनने के चांसेस है, ठीक है। पूरा का 16 नंबर का जो है क्वेश्चन आ सकता है किसमें, GC और HPLC में से, ठीक है। अब रेदर देन एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि GC के जो है वो डिटेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन जो है 8 नंबर का वो पूछ लेता है कि 16 नंबर में से 8-8 का 2 डिवाइडेशन कर लेता है कि HPLC का आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पूछ ले और GC का, तो GC का या फिर तो 16 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा या फिर GC के डिटेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो HPLC और GC आपको इस यूनिट में से दोनों ही पढ़ने हैं अच्छे से। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें, देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट एज पर द अपने प्रीवियस पेपर को देखते हुए और अपने थोड़ा सा आइडिया अगर लगाएं तो GC और HPLC जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट दोनों में से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगली यूनिट पे, वो है वो भी क्रोमेटोग्राफी पे बेस है। क्या क्या है उसमें इंपॉर्टेंट, TLC HPTLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पे मैं आपको 8 नंबर का या 16 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, है ना, वो सारे की सारे पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद जो आता है TLC। अब इसमें क्वेश्चन कई बार कैसा बनता है कि डिफाइन द पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आ जाएगा आपके 8 नंबर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका वो बन जाएगा आपके डिफरेंस बिटवीन TLC एंड HPTLC, ये 8 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ये बन गया आपके 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस यूनिट में से जैसे कि इस दोनों यूनिट को अगर देखें अपन, तो क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है वो इसमें तो HPLC या GC में से बनने के चांसेस है, और इसमें अगर अपन देखें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। या फिर यह क्या पूछ लेगा शॉर्ट नोट में पीछे कि TLC और HPTLC में डिफरेंस किया है, या फिर शॉर्ट नोट ऑन HPTLC के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस यूनिट में अपन देखें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC और HPTLC में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा पूछने के चांसेस है, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखना पड़ेगा थर्ड यूनिट में देखिए क्या है, थ्योरेटिकल बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन UV IR NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो सीधा सा बात है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप किसी भी हालत में पूरा का पूरा पढ़ के जाएंगे, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें UV
स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब अपन पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो इसमें अपन को पता है जैसे कि यूवी की नैनोमीटर क्या है, 200 से लेकर 800 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 200 से लेकर जो 400 है वो क्या है, यूवी, और फिर रेडियन कौन सी है, 400 से लेकर 800 कौन सी है, ये वाली विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इतना अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि जब अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग कुछ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से उसका डिवाइडेशन हो सकता है, बट उसमें वो कॉम्बाइंड ही अपन उसको पढ़ते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी। नॉर्मली जो अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो भी डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। ओके, सिंगल बीम में क्या होता है, सैंपल रखेगा अपन, रेफरेंस रखेंगे, फिर रेफरेंस हटाएंगे, सैंपल रखेंगे, है ना। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, डबल बीम में एक साथ अपन रेफरेंस और सैंपल, जैसा कि अपन प्रैक्टिकल रूटीन में करते हैं वैसा रखते हैं। तो डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सारा इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, बियर्स लैम्बर्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ जो है आपको 4 नंबर में या 8 नंबर में पूछ सकता है ना, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ बियर्स लैम्बर्ट लॉ और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंस्ट्रूमेंटेशन में सारा का सारा उसका डिटेक्टर वगैरह वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर इन सब टॉपिक से अटके अगर क्वेश्चन आएगा वो तो ये आएगा कि डिफाइन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे थोड़ा सा वो घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर मेनली अपन देखें तो प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से लेकर प्रिंसिपल और इसके जो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, रॉकिंग, वो सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डिफाइंड FTIR, फूरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी में पढ़ा चुके हैं, FTIR के भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें कि इस यूनिट में से ऑटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन जो है वो NMR का जो क्वेश्चन अगर बनता अभी है तो वो बनेगा डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ NMR एंड राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन केमिकल शिफ्ट, या फिर आपको पूछ लेगा वो केमिकल शिफ्ट या उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको उसका प्रिंसिपल पूरा का पूरा अच्छे से आना चाहिए, नेक्स्ट उसका केमिकल शिफ्ट क्या है और केमिकल शिफ्ट के कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो कि केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं, ओके। और नेक्स्ट अगर उसमें अगर वो पूछेगा, अगर 16 नंबर का क्वेश्चन 8-8 में अगर डिवाइड करेगा तो क्या क्या आएगा कि राइट डाउन डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड राइट डाउन द व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट और स्पिन स्पिन कपलिंग कॉन्स्टेंट जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन इसका थोड़ा कम चांस है आने के, ठीक है। तो NMR में पता चल गया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से क्वेश्चन अगर बनेगा तो या फिर तो पूरा 16 नंबर का बनेगा नहीं या फिर 8 नंबर का बनने वाला चांसेस है, ठीक है। तो 8 नंबर में अगर बनेगा तो इसमें क्या होगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा और एक जो क्वेश्चन है इस यूनिट में से आ जाएगा, तो ये दोनों मिल के 16 नंबर के आ जाएंगे, ऐसे चांसेज हैं, ठीक है। पेपर कैसा आता है वो तो पेपर एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा, बट ऐसे चांसेस है। तो इम्पोर्टेंट अगर अपन देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी IR इसमें इम्पोर्टेंट है और NMR भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखें कि यस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में से क्वेश्चन आना ही आना है। मेनली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, इसका प्रिंसिपल, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन
और इसकी आयोनाइजेशन टेक्निक और डिटेक्टर, पूरा का पूरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ ईयर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में अगर सिक्स पॉइंट की अगर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो एक्सरे जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और फ्लोरीमेट्री में अगर आप देखें तो फ्लोरीमेट्री अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, उसमें आप फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है वो पढ़ सकते हैं, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस, ओके। फ्लेम फोटोमेट्री ये भी देखिए, ऑटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री ये सिमिलर है, या फिर तो फ्लेम में से क्वेश्चन आएगा कि टाइप्स ऑफ बर्नर ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, ये भी आ सकता है, या फिर ऑटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके चलना है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है, इसमें आप बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं अनुमान लगाता हूँ। देखिए फिफ्थ यूनिट में पहला आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए GLP, ISO और TQM, इन तीनों में से आपको ये एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ISO और TQM। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको हर बार इस एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, वो है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ओके। वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेंज, लीनियरिटी वो सारी की सारी आएगी। और नेक्स्ट जो है वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट में आप ज़्यादा कुछ ना पढ़े मेरे अकॉर्डिंग, इस यूनिट में एक तो आप ये एक सेकेंड हाँ ये एक तो आप जो है ये वाले जो क्वेश्चन है GLP, ISO और 9000 और TQM और वैल्यूएशन इक्विपमेंट और वैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस, ये दो ही टॉपिक पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। क्वालिटी रिव्यू और क्वालिटी डॉक्यूमेंट को एक बार आप देख सकते हैं खाली का, आपको आइडिया होगा तो भी चल जाएगा, बट ये यूनिट में से GLP, ISO, TQM और वैल्यूएशन इक्विपमेंट और वैल्यूएशन एनालिटिकल प्रोसेस आने की संभावना है, ओके संभावना है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखते हैं वापस से एक बार कंक्लूजन, अगर अपन निकालें तो GLC, GC, HPLC इंपॉर्टेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट, TLC, HPTLC डिफरेंस दोनों का क्या है वो इंपॉर्टेंट, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट, IR प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन FTIR इंपॉर्टेंट, NMR प्रिंसिपल एंड केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट, एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सरे में ब्रैक्स लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीमेट्री में फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस वो इंपॉर्टेंट है, फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में से दोनों में से अल्टरनेटिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में से GLP, ISO, TQM और वैल्यूएशन इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस हिसाब से अपन इस इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस को पूरा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से पेपर करिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।